Abhinav Shukla kept a special screening of his film Roar, where many celebs of the TV industry were present. बहुत बढ़िया पाथ ब्रेकिंग फिल्म है. एक तो हमारा दोस्त है एंड ही इज़ डन अ फैबुलस या इज़ डन अ फैबुलस जॉब. द फिल्म इज़ नाइस, इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि टाइगर्स को रिस्पेक्ट काफ़ी मिला है, जो जो अवेयरनेस सोसाइटी में काफ़ी लैकिंग है टूवर्ड्स सेविंग टाइगर्स एंड ऑल. सो दैट इज़ वन. एंड टू, आई थिंक CG बहुत फैंटास्टिक है. जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई है, अगर हम सिर्फ CG भी देखें उसका, तो द कमिटमेंट टू मेक दिस फिल्म इज ट्रिमेंडस एंड आई थिंक इट्स अ फैबुलसली इट वॉज फन फॉर मी टू वॉच. मुझे वाकई ऐसा लगा जैसे मैं सुंदरबन में घूम रहा हूँ, और मुझे जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी बहुत अच्छी लगी. सो आई थिंक ऑल इन ऑल रोर इज रोरिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वॉच दिस फिल्म. इट्स वन ऑफ अ काइंड फिल्म इन इंडिया मेरे ख्याल से, बिकॉज इतना अच्छा VFX आई थिंक इंडियन फिल्म में देखने को तो नहीं मिला है अभी भी. और ट्राई टू मैच हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स एंड रियल कमेंडेबल ऑफ कमल सदाना. ऐसा एक कोशिश करना भी बहुत हिम्मत की बात है. इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, थ्रिल पूरे टाइम फिल्म में है. एंड VFX देखो या आप साउंड देखो फिल्म का, इट्स वेरी रियल. और जो एंड क्रेडिट्स में दिखाते हैं कि हाउ दे कन्वर्टेड अ नॉर्मल टाइगर टू अ वाइट टाइगर, और वो इतना सुपरबली किया हुआ है कि फिल्म में पता ही चलता है कि ऐसा वाइट टाइगर नहीं है और सिर्फ एक नॉर्मल टाइगर है. एंड ऑल दीज गाइज यार, अभिनव शुक्ला जी हमारे एंड द होल क्रू अली एंड ऑल, बस हिम्मत चाहिए ऐसी फिल्म को मैं एक्टिंग करने के लिए, शूट करने के लिए. इट मस्ट बी इन अ टफ टास्क फॉर ऑल ऑफ देम आई थिंक. तो इट्स अ सुपर्ब एंड इट गेट्स अ रोर फ्रॉम माय साइड. आई थिंक एक तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अननोटिसेबल जाता है वो ये कि विजुअली बहुत ही बेहतरीन है. अभिनव बहुत अच्छा दोस्त है और उसने बहुत बहुत अच्छा काम किया है फिल्म में. इट्स वेरी थ्रिलिंग. एक सेंस ऑफ नॉलेज मिलती है कि हमारा परसेप्शन अबाउट द स्पीशीज़ कितना गलत है और हमारा एक्चुअली अप्रोच क्या होना चाहिए किसी भी स्पीशीज़, नॉट जस्ट टाइगर्स. बट एक आई ओपनर है. बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, डायरेक्टर ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है. एंड आई थिंक इट्स अ डिफरेंट फिल्म, कॉमन फिल्म, कॉमन जॉनर नहीं है. और इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू मेक अ फिल्म लाइक दिस. तो मज़ा आया. मैं एक्चुअली अभी एक दो स्क्रिप्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, तो अभी वो पढ़ रही हूँ. और आई थिंक वेरी वेरी सून एक अच्छी अनाउंसमेंट देने के लिए मैं रेडी हो जाऊँगी. लेकिन अभी वो पाइपलाइन में है, इट्स इन द मिड फेज. But very soon I will make the announcement. I think it was a very good and very very strong role, and I came here personally for Abhi. We both did, and Abhi is looking very nice. It's a very very good experimental film. हमारे पास अभी तक ऐसा genre नहीं आया हुआ, but in terms of you know, I think it did leave a very very good message at the end, which I really liked. और VFX जो था वो बहुत कमाल का था. So I really recommend you all to see it. Please see it. बिल्कुल, अभिनव शुक्ला इज टू वॉच आउट फॉर इन द फिल्म. ही इज़ सुपर्ब एंड हम उसके लिए चीयर करने आए थे. एंड ट्रस्ट मी, हर इट वॉज सो, इट वॉज अ थ्रिलर फॉर मी. लाइक आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड आई वॉज लाइक ऑन द एज ऑफ माई सीट ऑल द टाइम. नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस. सो एवरी वन शुड आई थिंक इन्जॉय इट एंड बी हियर फॉर वंस. एंड येस, लाइक ही सेड, इट लेफ्ट अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज एंड इट्स अ मस्ट वॉच. गाइज गो वॉच इट. मैं अभी तक उसको सिंक इन करने की कोशिश कर रही हूँ. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. और मैंने जितना अच्छा एक्सपेक्ट किया था ना, उससे भी बहुत बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी फिल्म बनी है. क्राफ्ट बहुत अच्छा है. जितना भी CGI है या स्पेशल इफेक्ट्स है, ब्यूटीफुल है. एंड द कंटेंट इज़ वेरी वेरी गुड. परफॉर्मेंसेज आर वेरी गुड. इट्स अ सुपर डुपर हिट फिल्म. जी, मैं एक फिल्म कर रही हूँ डायरेक्टर नरेश मल्होत्रा के साथ में, क्रेजी किया रे. तो उसका शूट अभी चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थिएटर करती हूँ. सो आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट फॉर माय प्ले गेट रिड ऑफ माय वाइफ इंग्लिश प्ले आई एम डूइंग. सो ये दो चीज़ें हैं. बट होपफुली आई विल कम ऑन टेलीविजन सून. इट्स नॉट कन्फर्म्ड, बट आई विल कम इन अ वेरी वेरी गुड रोल ऑन टेलीविजन. हाय, मेरा नाम प्रणय दीक्षित है और मैं इस रॉर फिल्म में गाइड का रोल प्ले कर रहा हूँ. बहुत ही स्पेक्टेक्युलर कैरेक्टर है एंड वी आर गेटिंग इनक्रेडिबल फीडबैक, स्पेशली फ्रॉम द किड्स.
और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऑल टी वी सेलिब्रिटीज ज्वाइंड अस इन वेरी स्पेशल स्क्रीनिंग सो दे आर ऑल एक्साइटेड यू नो तो आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंसेज स्पेशली टू द किड्स जस्ट कम टू द थिएटर्स एंड एन्जॉय द फिल्म वी हैव एक्सपेरिमेंटेड अ वेरी डिफरेंट फिल्म इट्स एक्शन इज डिफरेंट इट्स वी एफ एक्स पैक इज डिफरेंट बैकग्राउंड स्कोर इज डिफरेंट एवरीथिंग इज फिल्म इट्स टोटल पैसा वसूल टाइप फिल्म यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग अप विद अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट टू सुब्रत दत्ता जो हमारे विलन है और मैं फिल्म का हीरो पंडित सो हीरो और विलन एक साथ वेल दोस्त तो करेंगे यार अप्रिशिएट एक्टिंग को लेकिन या मेरे को दोस्तों के अलावा क्रिटिक्स ने भी और बहुत सी जनता ने कमेंट्स भेजे हैं जो कि वो न्यूट्रल लोग हैं तो बहुत खुशी है जान के कि लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आई और सबसे बड़ी बात लोगों ने बोला है कि मैं कैरेक्टर में फिट हूँ लेकिन मेरे से ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट और फीडबैक आई है वो सुब्रत को लेकर आई है नहीं, कि सुब्रत इज़ द ब्रिलियंट एक्टर एंड आई जस्ट इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने काम किया है दे आर बिग नेम्स इन टेलीविजन इंडस्ट्री एंड वो उनकी डेट्स कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था तो फाइनली आज सब आए शरद जी आए सुरवीन आई एंड विकास वॉज हियर सो आई एम ग्लैड कि उन्होंने मेरी आके फिल्म देखी और नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स CGI VFX से बनी हुई एक हैवी ड्यूटी फिल्म देखी और दे लाइक्ड इट जनता इस पिक्चर को बहुत पसंद कर रही है मेरे पास ईस्टर्न रीजन के डिस्ट्रीब्यूटर के पास से फ़ोन आ रहा है या नॉर्थन डिस्ट्रीब्यूटर से कि लोगों को पुट इन टोटैलिटी मतलब बोले इट्स एन एंटरटेनिंग मूवी ये सबसे खुशी की बात है देखिए पर्सनल हम शब्द अच्छा कर ही रहे पूरी जोर से कोशिश की है डायरेक्टर कमल सादाना प्रोड्यूसर आबिस रिजवी मी अभिनव ऑल ऑफ को एक्टर्स एवरीबॉडी बट द थिंग इज जनता जनार्दन तो मैं तो कहता हूँ कि ये पैसा वसूल फिल्म है ये साबित कर दिया कि कल वीकडेज में भी अच्छा कलेक्शन था हम लोगों को बहुत अच्छा रिव्यूज़ नहीं मिले चाहे कोई भी वजह हो और ये अलग जॉनरे की फिल्म है बट हम लोगों का स्टेडी कलेक्शंस जा रहा है हमारे पास ज़्यादा शोज़ भी नहीं है तब भी आज मीडिया जो मीडिया कह रहे थे पिक्चर अच्छी नहीं है वही मीडिया कह रहे हैं कि नहीं आज रॉर का कलेक्शन वीकडेज में जो है ये स्टेडी मेंटेन अगर कर दें तो वीकेंड वीकडेज में भी तो इसका कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और आगे जाएगी ये मुझे लगता है बहुत अच्छी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सब नई कास्ट है मैं नया हूँ मैंने काफ़ी देर से ऑन स्क्रीन पे कुछ टेलीविज़न पे काम नहीं किया था उसके बावजूद लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी नए लोगों को लेकर हमें दिख रही है लोग आ रहे हैं आज भी ऑलमोस्ट 60-70% हाउसफुल था सो आई थिंक जो लोगों को जवाब चाहिए था यार एक अलग फिल्म क्यों नहीं बनती एक हटके फिल्म क्यों नहीं बनती हर जगह वो लड़की नाच रही है रोमांस हो रहा है तो उसका जवाब आपके सामने है डेफिनेटली कम हियर टू सपोर्ट माई फ्रेंड अभिनव जो कि बहुत ही फैंटेबुलस लग रहे हैं मूवी में और सेकेंड फैंटेबुलस चीज़ जो मूवी की है दैट आर द टाइगर्स ब्यूटिफुल वाइट टिग्रस जो हैं जो दिखाई गई हैं और इट्स अ कम्प्लीट एंटरटेनमेंट Hello everyone, this is Nandish Sandhu. Do watch India Forums and subscribe to WhatsApp TV.